हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, जो आज का व्लॉग है ना, वो दो रमज़ान की रेसिपीज़ पे है। इसके लिए सबसे पहले मैंने दही बड़ों का जो है वो मिक्सचर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक अदद आधा प्याज और 4 से 5 अदद लहसुन के जवे। इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के किसी ब्लेंडर में या हैंड बीटर से ना बीट कर लूँगी। अच्छा, आज मैंने ऐसे व्लॉग इसलिए नहीं बनाया, मुझे लग रहा था कि रूटीन के व्लॉग्स ना बहुत ज़्यादा हो गए। वैसे तो ये जो दोनों रेसिपी है ना, ये मैंने अलग अलग टाइम पे ना रिकॉर्ड की थी। एक ये जो दही बड़ों वाली रेसिपी, ये हमने जाना था इधर सारी, मतलब कि वन डिश पार्टी थी तो वहाँ लेके मैं गई थी। और चाट का तो सिलसिला ही बहुत अलग है, वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो जी, अच्छा सा हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद तकरीबन मैंने एक से ये जो है 1.5 कमर जो कप है ना, ये लिया है बेसन। तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये अपना मिक्सचर प्याज का और लहसुन का। और उसी कप में मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल के ना मिक्स करके डाल दिया, ताकि थोड़ा बहुत जो मिक्सचर कप में लगा रह गया था उसके अंदर आ जाए। अब मैं इसमें हसबे जायका नमक डालूंगी। वैसे मैंने 1 चम्मच डाला था नमक मिर्च, तो जब एंड में हम मिक्सचर बना लेते हैं तो आखिर में चख भी सकते हैं। तो इसमें मैंने आधी चम्मच जो है लाल मिर्च की डाली, और तकरीबन 1 पिंच से ज़्यादा नहीं, बस 1 पिंच ना बेकिंग सोडा जो होता है वो डाला है। अच्छा, बेकिंग सोडा का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, अगर थोड़ा भी ज़्यादा हो जाए तो हमारी जो जो टिक्कियाँ हैं ये बिल्कुल सही नहीं बनती, मतलब टूट जाती हैं। तो मैंने सिर्फ जो इसके लिए मैंने ना ये हिसाब रखा हुआ है कि मैं जो चम्मच का बैक वाला हिस्सा होता है ना, एंड की जो उसकी मतलब कॉर्नर होता है, उसके पे मैं डाल के अंदाज़ा लगा लेती हूँ, बिल्कुल 1 पिंच ही बनता है। तो जी, साथ ही मैंने आलू रख दिए थे बॉयल होने। मिक्सचर को तकरीबन मैंने 1 घंटा जो है ना बना के रखा है। उसके बाद मैं तलने की तरफ आ गई हूँ। तेल में मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है ताकि तेल से कोई हीट ना आए। और मैं अपना जो है ना ये सारा मिक्सर इस तरह एक एक मतलब के पकौड़ों की तरह हमने अंदर डालना है, टिक्कियाँ की सूरत में बनेगा। दूसरे चूल्हे पे ना मैंने पानी रखा है, पानी को हल्का सा गर्म करना है, बिल्कुल कोसा जिसे कहते हैं ना उस तरह का कर लेना है। और उसमें ना 1 चम्मच नमक डाल देना है, उसको मिक्स कर लेना है हमने। ये जब टिक्कियाँ दोनों तरफ से ब्राउन हो जाएंगी ना, इसके पानी के अंदर निकाल लेनी है। अच्छा, ये बिल्कुल दही बड़े वैसे बनते हैं जो हम बाज़ार में जाके ना खाते हैं, और बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट भी होता है। और अगर आप घर का दही जमाते हो तो दही भी आपको खट्टा नहीं लगता, मतलब। तो जी, इस तरह जो है मैं दोनों तरफ से इसको ब्राउन करके ना मैंने इसको पानी में निकाल दिया। पानी में तकरीबन हम इसे इतना रहने देंगे कि हम इसको हाथ लगा सकें, मतलब तेज़ गर्म है। जब ये हाथ लगाने के काबिल हो जाएंगे तकरीबन 1-2 मिनट में, तो हम इसको प्रेस कर करके ना, मतलब इसके अंदर से पानी निकाल निकाल के, तो इसको इस तरह टिशू पेपर पर या अखबार पर रख देंगे 5 मिनट के लिए। देखिए, मैं साथ प्रेस कर रही हूँ कि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना आ रहे, और टिशू पेपर या अखबार पर रखने का जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो ये भी सॉक कर लेगा। तो इसको हम बना के अब साइड पर रख देंगे, तो बाकी जो हमने दही का मिक्सचर बनाना है उसको बना लेंगे। हमारे घर में तो रमज़ान में ये तकरीबन हर दूसरे दिन बन जाती है चाट। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, उसके लिए चने बॉयल करने पड़ते हैं, तो उसका जो है वो थोड़ा ज़्यादा जो है टाइम लगता है। तो ये इंस्टेंट सी रेसिपी आप फ़ौरन फ़ौरन बना लेते हैं। अब जी, दही की प्रिपरेशन की तरफ आ जाते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 मुट्ठी जो है वो धनिया लिया है, और उसके अंदर 2 अदद जो है ना हरी मिर्चें मैंने डाली हैं, और थोड़ा सा दही डाला है। उसको मैंने इस तरह हैंड बीटर से, अगर हैंड बीटर नहीं है ब्लेंडर से, बस ब्लेंड कर लेना है, लिक्विडी सा फॉर्म कर लेनी है। इसके लिए अब मैंने जो लिया है वो 1/2 किलो दही लिया है, और दही के अंदर मैं ये मिक्सचर डाल दूंगी। अपना ग्रीन जो चटनी मैंने बनाई है, धनिया और जो 2 अदद हरी मिर्चों की। अच्छा, इसमें पुदीना नहीं डालूंगी, पुदीना आप 2-3 पत्तियाँ डाल सकते हैं जिनको पुदीने की खुशबू पसंद है। हमारे घर में पुदीना ऐसे किसी को मतलब उसकी खुशबू अच्छी नहीं लगती, तो मैं पुदीना नहीं डालती। उसके अंदर बस हम 2 मसाले और डालेंगे, 1 नमक और 1 चाट मसाला। फिर आपने दही का वो चेक कर लेना है कि अगर नमक मिर्च आपको कम ज़्यादा लग रही है तो वो फिर एडजस्ट कर लेनी है। अच्छा, इस तरह हरी चटनी भी बना के आप रमज़ानों के लिए स्टोर कर सकते हैं, मतलब दही पड़ों के लिए, और अगर आपने रायता बनाना है उसके लिए भी। और इस तरह का जो बाकी पूरियाँ तलने के लिए जो हमने बनाए थे उसका मिक्सचर प्याज और लहसुन का, वो भी हम बना के 1 जार में महफूज कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब इसके अंदर मैंने जो डाला है प्याज क्यूब में कटे हुए, टमाटर 2 अदद क्यूब में कटे हुए, और आलू जो बॉईल किए थे वो क्यूब में कटे हुए। इसके अंदर आप वो भी डाल सकते हैं क्या, चने भी बॉईल हुए हुए। मैं चनों की एक अलग रेसिपी दे रही थी, तो मैंने इसके अंदर भी चने ऐड नहीं किए थे। अब दही को मैं पतला सा कर दूँगी, उस फॉर्म में हम करेंगे जिस फॉर्म में हम बाज़ार के दही पड़े खाते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं कि चम्मच में भी ना आए। बिल्कुल इस तरह इसको अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया। इधर नमक मिर्च रखा था, थोड़ा सा मुझे कम लगा था तो मैंने और डाल दिया। अब इसके अंदर हम जो है एक एक करते भले जो है ऐड करते रहेंगे। अच्छा, जिस बाउल में आपने असेंबल करना है ना, अगर आप उसी में ऐड करें तो ठीक है, ये बिल्कुल टूटेंगे ही नहीं। देखें, अभी भी नहीं टूटी हुई। इसके लिए बस हमें सोडे का जो है ना क्वांटिटी वो एवरेज रखनी है, मतलब 1 पिंच से हमने ज़्यादा नहीं करनी।
तो जी इस तरह की जो है मैं अच्छा सा मिक्स कर लेना है, इसके ऊपर चाट मसाला जो है स्प्रिंकल करना है, और ये देखें बहुत मज़े की बनती है। आप लोग ज़रूर इस रमज़ान में ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। चलें जी इसकी इसके बाद आ जाते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। दूसरी रेसिपी का सीन कुछ यूँ है कि सबसे पहले मैंने चने रखे, उसके अंदर नमक और लाल मिर्च डाली, और इसको मैं तकरीबन 40 मिनट के लिए ना कुकर में, जब कुकर चलने लगता है मतलब 40 मिनट चलाऊँगी तो चने ना बड़े अच्छे से गल जाएंगे, नरम हो जाएंगे, जिस तरह के हमें चाहिए होते हैं चाट के लिए। अब मैंने दूसरे चूल्हे पे जो है वो आलू रख दिए हैं बॉयल होने के लिए। अच्छा चाट का भी क्या था कि मैंने ना इनको कह दिया कि चने पड़े हुए हैं, एक दिन पहले सालन बनाया था चनों का, जब मैंने ये रेसिपी रिकॉर्ड की मैंने कहा चने नीचे पड़े हुए मैं आपको ना चाट बना देती हूँ, लेकिन जब नीचे आई तो फ्रिज में सालन था नहीं, वो शायद मामा ने ना किसी को दे दिया, तो फिर मैंने जल्दी से जो है चने बॉयल करके चाट बना दी। असल में कहा हुआ था, ना कहा होता तो शायद मैं भी डंडी मार जाती। अच्छा इसके लिए अब मैंने इमली लिए, तकरीबन आधा कप इमली है, इसको आधे कप पानी में मैं भिगो दूंगी। अच्छा इमली सबसे पहले आप भिगो के रख लें, अगर फ़ौरन करनी है तो फिर गर्म पानी में भिगोएं तो फ़ौरन सी वो नरम हो जाती है, मतलब उसका पल्प अच्छा बन जाता है। अब जी चने हमारे ठंडे हो गए थे, इसके अंदर मैंने आलू डालें बॉयल करके, प्याज क्यूब करके डालें, टमाटर जो है क्यूब करके डालें, और दो अदद हरी मिर्चें जो है ना बारीक बारीक काट के डाली हैं। अब जी इसके अंदर मसाले आ जाएंगे, मसाले सिंपल से ही हैं, वही एक आधी चम्मच मैंने इसके अंदर डाली है लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च हो तो ज़्यादा बेहतर है, और जो एक जो है चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, आप हसब जायका जितना चाहे डाल सकते हैं, और एक ही चम्मच भर के मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाला है, और अब मैं इसके अंदर इमली का पल्प ऐड कर दूँगी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके। अच्छा मैं इसके अंदर लेमन ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैं बाजारी बिल्कुल चाट बना रही हूँ, तो थोड़ा सा खटाई का फ्लेवर देने के लिए मैं इसके अंदर जो है जो दही ऐड कर दूँगी। तो इस तरह हम इमली को अच्छा सा जो है वो रब कर लेंगे ताकि उसके अंदर से पल्प निकल जाए, और गिट्टियाँ हम फेंक देंगे और पल्प इसके अंदर डाल देंगे, इसको अच्छा सा हम मिक्स करेंगे। अब जी जो नेक्स्ट स्टेप है ना, इसमें मैंने आधा कप दही लिया है, आधे कप से भी थोड़ा सा कम है, उसके अंदर वही ग्रीन मिक्सचर डाला है, हरा धनिया और जो है हरी मिर्चों का और नमक का, इसको अच्छा सा मिक्स किया है बिल्कुल, मतलब कि इसके अंदर कोई भी जो लम्स होते हैं दही के वो ना रहे, और इसको अपने चाट के अंदर डाल दिया, और उसको अच्छा सा मैं मिक्स कर लूँगी, और आप अब चाट का कलर देखिएगा बहुत अच्छी बनती है। अच्छा मुझे तो ठंडी चाट बहुत पसंद है जो फ्रिज में रखी होती है, तो जब मैं बनाती हूँ तो मैं थोड़ी एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ ताकि अगले दिन मैं दोपहर में भी खाऊँ, दोपहर तक वो इतनी अच्छी ठंडी हो जाती है तो खाने में बहुत मज़ा आता है। देख लें कुछ इस तरह से हमारी चाट भी हो गई है रेडी, अब मैं पापड़ तलने लगी हूँ। अच्छा सबके घरों में बल्कि ज़्यादातर अगर हम बाज़ार से भी लेते हैं तो वो पापड़ ही जो है ऊपर डाल के देते हैं, लेकिन हमारे घर में ये रिवाज है कि उन्होंने खाने होते हैं ये रंग बिरंगे पापड़ या वो लंबे पाइप वाले पापड़ चाट के साथ, तो मैंने फाइनल बस आखिरी स्टेप था इसको फ्राई करना, और अब मैं खाने लगी हूँ चाट। आप चाट का कलर देख लें बहुत मज़े की है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। चलें जी इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लाइक शेयर सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़।